खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। भारत के खिलाफ जहर उगला है। इस बार उसने अयोध्या में श्री राम मंदिर पर निशाना साधते हुए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। दरअसल अमेरिका में छिपकर बैठे पन्नू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि राम मंदिर का बनना मुस्लिमों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा है। उसने कहा कि पीएम मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, इसलिए सभी लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध करें। पन्नू ने वीडियो जारी करते हुए खालिस्तान के साथ मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग तक कर डाली। उसने मुस्लिमों को भड़काते हुए कहा कि आप सभी भारत से अलग एक देश उर्दुस्तान बनाएं। इसके साथ ही उसने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर अमृतसर से अयोध्या तक सभी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बंद करवाने की भी धमकी दे दी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू यहां भी नहीं रुका। उसने आगे कहा कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर बनाया जा रहा है, यह मुस्लिमों के शवों पर बनाया जा रहा है, यह 2 करोड़ मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन है। अब समय आ गया है मुसलमानों, तुम भारत से एक अलग देश उर्दुस्तान बनाओ। पन्नू ने यह भी कहा कि राम मंदिर का असर दुनिया भर में दिखाई देगा। उसने कहा कि भारत के हर एक मुस्लिम को राम मंदिर का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा है। अब ये बार बार नाम आ रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। दरअसल अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर को खालिस्तानी आतंकी से खाली कराने के लिए इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया था। इस आदेश को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। इस ऑपरेशन को 1 जून से लेकर के 8 जून 1984 को चलाया गया था, जिसमें भारतीय सेना ने खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडार वाले को मार गिराया था। पन्नू इसी भिंडार वाला को अपना आदर्श बताता है। बता दें कि पन्नू ने यह वीडियो तब जारी किया है जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भारत के खिलाफ जहर उगला है और इस तरह की धमकी दी है। इससे पहले हाल ही में उसने भारत को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने तक की धमकी दे दी थी। वहीं इससे पहले वो हवाई जहाज को हाईजैक करने और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दे चुका है। आपको बता दें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। वो खालिस्तान को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। हाल ही में कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया था कि वो उसके नागरिक पन्नू की हत्या करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर दोनों देश के बीच रिश्तों में भी खटास आ गई थी।